आईपीएल सीजन 13 का 12वां मुकाबला यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बता दें आपको कि यहां पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। ये फैसला सही भी साबित हो रहा था जब तक यहां पर कोलकाता की बल्लेबाजी स्लो हो रही थी, लेकिन इसके बाद ओयन मॉर्गन और शुभमन गिल की बेहतरीन पारी की बदौलत यहां पर केकेआर की टीम ने 175 रनों का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिया। आज अगर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी की बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए, अंकित राजपूत ने 4 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट झटका, जयदेव उनादकट ने 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट झटका, टॉम करन ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट झटका, श्रेयस गोपाल ने 4 ओवर में 43 रन दिए। ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे थे लेकिन बड़े रन लुटाए उन्होंने। रियान पराग 1 ओवर में 14 रन दिए उन्होंने। राहुल तेवतिया ने 1 ओवर में 6 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट झटका। अगर केकेआर के बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो आज 47 रन शुभमन गिल ने 34 गेंदों में बनाए, 5 चौके 1 छक्का उन्होंने जड़ा, जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। सुनील नारायण को जयदेव उनादकट ने बोल्ड आउट किया यहाँ पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर। इसके बाद नीतीश राणा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, राहुल तेवतिया का शिकार बने। आंद्रे रसेल ने 14 गेंदों में 24 रन बनाए, 3 छक्के जरूर जड़े लेकिन आउट हो गए। दिनेश कार्तिक फ्लॉप, कप्तान थे लेकिन फ्लॉप हुए। ओयन मॉर्गन 23 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद रहे। पैट कमिंस ने 10 गेंदों में 12 रन बनाए, संजू सैमसन ने बेहतरीन कैच उनका लपका। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन दूसरे ओवर में स्टीव स्मिथ को इन्होंने गवा दिया, 7 गेंदों में 3 रन बनाकर स्टीव स्मिथ आउट हुए। जॉस बटलर ने 16 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली लेकिन संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ का विकेट बहुत जल्दी केकेआर की टीम ने निकाल दिया था। 5वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन यहां पर शिकार हुए शिवम मावी का, सुनील नारायण के हाथों उन्होंने शानदार कैच लपका। इसके बाद जॉस बटलर 7वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम मावी का ही शिकार बने, वरुण चक्रवर्ती ने शानदार कैच लपका उनका। उसके बाद रियान पराग कुछ खास नहीं कर पाए, राहुल तेवतिया 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए, यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें बोल्ड आउट किया। टॉम करन बल्लेबाजी करने आए नंबर 6 पर लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, नॉट आउट रहने की कोशिश की लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। श्रेयस गोपाल जल्दी आउट हो गए, जोफ्रा आर्चर जल्दी आउट हो गए। कुल मिलाकर यहां पर राजस्थान की टीम जो टॉप लीग पर थी यहां पर केकेआर की टीम ने उन्हें रौंद दिया है और इतना बुरा रौंदा है कि अब राजस्थान की टीम को भी सोचने की जरूरत है। ये आईपीएल पूरे तरीके से उल्टा पुल्टा आईपीएल हम देख सकते हैं, जो टीमें नीचे रहती थी वो टीमें ऊपर हैं और जो टीमें ऊपर रहती थी वो टीमें नीचे हैं, लेकिन शानदार आज केकेआर की टीम ने खेल दिखाया है। हैट्स ऑफ टू शाहरुख खान, हैट्स ऑफ टू केकेआर की फ्रेंचाइजी जिन्होंने शानदार टीम चुनी है। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।